ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सनातन सार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था और अब आने वाली 14 अक्टूबर को शनिवार के दिन दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। विज्ञान के अनुसार ये एक खगोलीय घटना होती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अंदर इस घटना का व्यक्ति के जीवन पर बहुत ही शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। अब इन अशुभ प्रभावों से बचने के लिए भी कुछ उपाय करने होते हैं, और जिनके लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव शुभ होता है वो अगर कुछ छोटे से उपाय कर लें तो उनके जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। वो जो भी कार्य करते हैं उनमें सफल हो जाते हैं। घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। घर पर नजर दोष लगा है तो दूर हो जाता है। बस आपको सूर्य ग्रहण के दिन ये एक छोटा सा उपाय करना है। ध्यान से सुनकर इस उपाय को करना, फिर देखना कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होता है। जो जीवन थमासा था वो दौड़ना शुरू हो जाता। और इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी है। ये मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दिन राहु का बुरा प्रभाव रहता है। इस दिन कपूर जलाकर एक उपाय करने से न सिर्फ राहु का प्रभाव कम होगा बल्कि ग्रहण का बुरा असर भी नहीं पड़ेगा। अगर आपके ऊपर किसी की बुरी नजर लगी हो तो वो आसानी से उतर जाएगी इस उपाय से। सूर्य ग्रहण के दिन मिट्टी के दीपक में क्या करना है, मिट्टी के दीपक में कपूर जलाकर आसन पर बैठ जाएं, फिर राहु के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से राहु का दुष्प्रभाव आप पर या आपके परिवार पर कभी नहीं पड़ेगा। आप सूर्य ग्रहण खत्म होने से थोड़ी देर पहले 5 मिनट या 10 मिनट पहले कपूर जलाकर उसे पूरे घर में भी घुमाएं, उसकी धुनी पूरे घर में फैलाएं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, कपूर जो आपको लेना है वो देसी कपूर होना चाहिए। ये जो सिंथेटिक कपूर है जो हम कपड़ों में रखते हैं ये नहीं होना चाहिए। देसी कपूर आता है वो लेकर ये उपाय करना है। साथ ही आप सूर्य ग्रहण के दिन 5 कपूर जलाएं और हर एक जलते हुए कपूर पर लौंग डालते जाएं, फिर जलते हुए कपूर को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं और घर में आकर जो भी आपका इष्ट देव है, जो भी भगवान है, उसका स्मरण करें। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत होगी और आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होना शुरू हो जाएगी और राहु का अशुभ प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। वैसे ये उपाय आपको इस सूर्य ग्रहण के दिन करना है, क्योंकि अगर ये मौका निकल गया तो फिर बहुत दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए चूकना मत, सूर्य ग्रहण को ये उपाय करके आप अपने जीवन को संवार लेना। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।